तीन लोग खड़े हुए थे, भाजपा, कांग्रेस और वो छोटा रिचार्ज। सूरत में आए और आकर एक ने कहा, मेरे पास इतनी बड़ी दौलत है, उन्होंने कहा इतनी बड़ी जमीन है कि अगर हम जमीन पर फर्टिलाइजर डालकर जब वापिस आते हैं पूरी जमीन पर अनाज खड़ा हो जाता है। तो वो दिल्ली का छोटा रिचार्ज बोला, हाँ इतनी जमीन तेरे पास है कि फर्टिलाइजर डालते हैं और वापिस आए जब तक अनाज उग जाता। बोले हाँ उग जाता। उसने बोला ओ हो, ये तो लंबी छोड़ा, मुझे भी लंबी छोड़नी चाहिए। उसने कहा मेरे पास क्या है तुझे मालूम? तो भाजपा ने पूछा क्या है तेरे पास? बोले मेरे पास इतना लंबा बंबू है कि अगर हमारा दिल नहीं बहलता तो हम एक गांव के तारे को खींचकर सूरत पूर्व में लाते हैं और जब उसका दिल नहीं भरता तो उसको भरूच में लेकर जाते हैं उस तारे को। तो कांग्रेसी ने पूछा ये बता कि वो बंबू तू कहां रखता? तो उसने कहा तेरे बाप के घर में रखता हूं। बाहर से पैसा आएगा ब्लैक का और हर एक अकाउंट में 15-15 लाख डाल दिया जाएगा। बोला था ना, दो करोड़ नौकरी सबको दी जाएगी। भाइयों बहनों, चाय पी पी कर झूठ बोला भारत के प्रधानमंत्री ने। मोदी जी गुजरात में आके बोलते मैंने गुजरात को मनाया, मैंने गुजरात को बनाया। मैं तो कहूंगा मोदी जी आपने सबको बना दिया, आपने सबको बना दिया, आपने सबको बेवकूफ बना दिया। आने 2014 में भारत के प्रधानमंत्री जब यहां गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था गुजरात में बाहर से पैसा आएगा ब्लैक का और हर एक अकाउंट में 15-15 लाख डाल दिया जाएगा। बोला था ना, दो करोड़ नौकरी सबको दी जाएगी। भाइयों बहनों, चाय पी पी कर झूठ बोला भारत के प्रधानमंत्री ने। तो एक वाकया याद आया हमको, हमारे वालिद मरहूम बोलते थे, ये भाजपा वाले दिल पर ना ले, लाइटर वेन में ले, मजाक के तौर पर ले। एक बादशाह था, बादशाह के दरबार में कोई गया तो उसने बहुत अच्छा गाना गाया, तो बादशाह ने कहा क्या गाया तूने? बादशाह ने चाय पी और बादशाह ने चाय पी कर कहा इसको 10 सोने की अशरफी दे दो। वो फिर और अच्छा गाया तो बादशाह ने और चाय पी और चाय पीकर कहा इसको 1 घर दे दो। फिर उसने और अच्छा गाया तो बादशाह ने कहा इसके बेटे को नौकरी दे दो। उसने और अच्छा गाया तो बादशाह ने और चाय पी और कहा कि इसके अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दो। उसके बाद 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन हो गए, वो बेचारा जो उसको 100 सोने की अशरफी का वादा, उसके बेटे को नौकरी का वादा, उसके अकाउंट में 15 लाख, वो बादशाह के पास गया। बादशाह मैंने तो आपको चाय पी, आपने चाय पी पी कर कहा था, मैंने गाना भी गाया, आपने ऐलान किया। तो बादशाह ने कहा वो बात गई, खत्म हो गई। बोले कैसे? तूने गाकर खुश किया, मैंने ऐलान करके खुश कर दिया तेरे। ये मामला चल रहा है नहीं है? सही बात है ना? बिल्कुल दिल पे लगी, दिमाग पे पहुंच गई। अच्छा आप दूसरा ले लो, ये भाजपा एक है तो पीछे कांग्रेस और वो एक छोटा रिचार्ज दिल्ली का भी आ गया। तो दोनों में 3 लोग खड़े हुए थे, भाजपा, कांग्रेस और वो छोटा रिचार्ज। सूरत में आए और आकर एक ने कहा, ये माने दिल पे मत लो, लतीफा है, लाइटर वेन में है। तो एक ने कहा कि ए मेरे पास इतनी बड़ी दौलत है, इतनी जमीन है मेरे पास, ये हमारे छोटे भाई ने अपनी तकरीर में कहा था। उन्हें कहा इतनी बड़ी जमीन है कि अगर हम जमीन पर फर्टिलाइजर डालकर जब वापिस आते हैं पूरी जमीन पर अनाज खड़ा हो जाता। तो वो दिल्ली का छोटा रिचार्ज बोला, हाँ इतनी जमीन तेरे पास है कि
फर्टिलाइजर डालते हैं और वापिस आए जब तक अनाज उग जाता, बोले हाँ उग जाता। उसने बोला ओ हो ये तो लंबी छोड़ा, मुझे भी लंबी छोड़नी चाहिए। उसने कहा मेरे पास क्या है तुझे मालूम? तो बागपाल ने पूछा क्या है तेरे पास? बोले मेरे पास इतना लंबा बंबू है कि अगर हमारा दिल नहीं बहलता तो हम एक गांव के तारे को खींचकर सूरज पूर्व में लाते हैं, और जब उसका दिल नहीं भरता तो उसको भरूच में लेकर जाते हैं उस तारे को। तो कांग्रेसी ने पूछा ये बता कि वो बंबू तू कहां रखता? तो उसने कहा तेरे बाप के घर में रखता हूं। अरे ये क्या है, गारंटी कार्ड दे दिए। गारंटी कार्ड से क्या होने वाला है? 2017 में कांग्रेस ने भी किया था ना, ऐलान किया था, लंबी लंबी लाइन थी, घर नौ घर किया था ना, कहां गई कांग्रेस? अब ये छोटा रिचार्ज आके बोल रहा है वो, अरे क्या कर रहे हैं, कब तक जनता को आप धोखा देंगे? अरे प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनकर 8 साल हो गए, 15 लाख छोड़ो 15 पैसे अकाउंट में नहीं आए। प्रधानमंत्री बन के 8 साल हो गए, नौकरी नहीं दिए। अब कह रहे हैं कि मैं 2024 तक 10 लाख नौकरी दूंगा। तो ये आपको समझना है कि आपके वोट के लिए आपको झूठ बोला जाता है, आपको धोखा दिया जाता है ताकि आपका वोट हासिल कर लो और उसके बाद आपको भूल जाओ। मजलिस इस तरह की बड़ी बड़ी दावे और बातें नहीं करती हैं। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 1 दिसंबर के दिन आप अपने वोट को सही तरीके से इस्तेमाल करिए। वसीम कुरैशी मजलिस के उम्मीदवार हैं, उनको कामयाब करिए।